हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज मैं आपको कविता पाठ की सीरीज में हमारे देश के जाने माने साथ ही साथ राष्ट्रकवि के नाम से संबोधित किए जाने वाले कवि कंथारी से दिनकर के स्वरचित काफी लोकप्रिय पॉपुलर एक कविता है जिसका नाम है या रजनी के चांद बोले। ठीक है, इस कविता पाठ के लिए मैं कविराम शर्मा को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कविराम शर्मा, इट्स योर टर्न। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस चांस। एंड हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं रामधारी दिनकर के उन विशेष कृतियों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, जिसे सुनकर आप भी अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस कर सकेंगे, जिसके माध्यम से, जिसके अनुभूति के साथ ही आप इस राष्ट्र के विकास में कुछ ना कुछ सहयोग दे सकेंगे। तो आइए हम उस कविता का रसपान करते हैं कि या रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, या रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेल किम कंघी से नकली रूप सजाओगे, तेल फुलेल किम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान हो जाए, पुष्ट देह बलवान हो जाए, रूखा चेहरा लाल मगर यह लोगे या लोगे पिचके गाल सवारी मान सुंदर। जीवन का मन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, देखिएगा इन पंक्तियों पर गौर कीजिएगा, और अपने जीवन को इस रूप संवारिएगा जैसा किसी भी एक प्रगमित पुरुष का जो व्यक्तित्व होता है कैसा बनता है कि जीवन का मन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाटी से जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ, चाहे जितना घाट सजाओ, लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्जर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। अब जीवन के कर्तव्यों से रूबरू करवाऊंगा मैं और बोलूंगा कि आपको किन किन आकांक्षाओं को पूरा करना है, वो कौन कौन से आह्वान है जिसे अपने लिए आपको पूरा करना है कि संचित करो लहू, लहू है जलता सूर्य जवानी का, धमनी में इससे बचता है निर्भय तुर्य जवानी का। कौन बड़ाई उस नद की, अब मैं उस जवानी का जिसका कोई फायदा नहीं है मैं उस पर एक बात बोलूंगा कि कौन बड़ाई उस नद की, उस नदी का क्या हम लोग गुणगान करेंगे जिसमें कोई तरंग ही ना उठता हो, कि कौन बड़ाई उस नद की जिसमें न उठी उतार लहर, आंधी क्या उनचास हवाए उठी नहीं जो साथ हर, सिंधु नहीं सर करो उसे चंचल जो नहीं तरंगों से, सिंधु नहीं सर करो उसे चंचल जो नहीं तरंगों से, मुर्दा कहो उसका जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से, मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। आज मैं वीर रस की कविता पढ़ रहा हूँ, हो सकता है हमारे अंदर में श्रृंगार रस, भक्ति रस, यानी कि आपके जीवन को सभी रसों से मिश्रित बनाना है और हमारे हिंदी साहित्य के नौ रसों से रसयुक्त अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसका साथ देना है। कि फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना, एक कुमारदास की पंक्ति थी कि कभी अपने जिंदगी में, एक पीयूष जी का भी पंक्ति था कि मत सुनो अपने जिंदगी में कभी प्रेम गीत, तो उस पर एक पंक्ति इस पर दिनकर जी ने बोला है कि फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना, तितली के पीछे दौड़े भौरों का भी है गान सुना, फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना, तितली के पीछे दौड़े भौरों का भी है गान सुना, अब खोजो सौंदर्य गगन चुंबी निर्वात पहाड़ों में, अब खोजो सौंदर्य गगन चुंबी निर्वात पहाड़ों में, कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रभात की धारों में। उन नदियों की ताकत को देखो जिन्होंने आने वाले सामने बिखरे जैसे पहाड़ को, उस मेघ और मैनाक पर्वतों को तोड़ करके आगे निकल करके अपना समुद्र जैसा विशाल रास्ता बना देते हैं। किस सागर की उत्ताल लहर में बलशाली तूफानों में, अपना शक्ति किससे कंपेयर करना है, किस सागर की उत्ताल लहर में बलशाली तूफानों में, प्लावन में किस्ती खेने वालों की मस्त तरावों में, बल विक्रम साहस के कर्तव्य पर दुनिया बल जाती है। आपके पास अगर समर्थ है,
ताकत है तो आपके पास कोई दोष नहीं है। अगर आप कमजोर हैं तो आप किसी भी इस दुनिया में संसार की वस्तु को भोग नहीं सकते हैं। इस प्रकार कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम के अलग स्रोत जो आता है अगला वीर भोग क्या वसुधरा, तो उसी पर हमारे महाकवि दिनकर जी ने कहा है कि बल विक्रम साहस के कर्तव्य पर दुनिया बल जाती है, पर बात क्या स्वयं वीर भोग वसुधा कहलाती है, पर बात क्या स्वयं वीर भोग वसुधा कहलाती है। बल के सम्मुख बिनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है। आज हमारे देश की सेनानी है उनके सामने आसमान भी नीला रंग कर देता है हमारे सम्मान में, अपने सैनिकों के सम्मान में, कि बल के सम्मुख बिनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है। इससे बड़ा सौंदर्य दूसरा तुमको कौन सुहाता है, तुमको कौन सुहाता है सौंदर्य शक्ति का अनुचर। अगर आप अपने पास एक सुंदरी रखना चाहते हैं तो अपने आप को विष्णु जैसा ताकतवर बनाना पड़ेगा कि है सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बली वही सुंदर है, जो समर्थ में है वही सबसे सौंदर्यवान है। समर्थ में कुछ दोस्त ने बताई, मैं तुलसीदास की पंक्ति से लेकर आता हूं कि है सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बली वही सुंदर है। सुंदरता निस्सार वस्तु है, हो न साथ में शक्ति अगर सिर्फ ताल सुर लय से जीवन नहीं तराने में, सिर्फ ताल सुर लय से आता जीवन नहीं तराने में। निराशांस का खेल कहो यदि याग नहीं है गाने में, निराशांस का खेल कहो यदि याग नहीं है गाने में। तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो ओज है हमारे अंदर वो आप सभी युवा साथियों के अंदर भरे और अपने देश के अपने राष्ट्र के विकास के एकलान में अपना सहज और सशक्त योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिराम, मैं अभी आपके सबसे करीब जितने भी सारे हमारे विद्यार्थी हैं उससे करीब हूँ और इस समय हमारे एक एक रोंगटे खड़े हो चुके हैं और जिस अंदाज में आपने इस कविता को जीवंत किया है पूरे क्लासरूम के सामने, मैं इसके लिए सहज दिल से आपको आभारी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे व्यूअर्स जो आप हमें सुन रहे हैं, लगातार सुनते आए हैं, आपका कॉपरेट, आपका कॉपरेशंस, आपका सहयोग, ये हमें ऐसे तरह की कुछ नई नई हट करके एक्टिविटियाँ करने पर बात करती है। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। जय हिंद।